हेलो दोस्तों, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू ब्लॉग्स में। और आज है जन्माष्टमी और हम लोग जा रहे हैं सभी मंदिर। जन्माष्टमी का प्रोग्राम किस तरीके से मनाया जाता है यहाँ, वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, और ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर और ये सजा हुआ है सुंदर सा कान्हा जी का पालना। और यहाँ पे माइशू के साथ हैं नेहा और उसकी सिस्टर, सभी लोग मिलके भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ पे ढेर सारी मस्ती करते हुए माइशू को तो कहीं भी खुरापात करने का मौका चाहिए है। सभी लोग बच्चे वहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं और माइशू का अलग ही चल रहा है। वो कभी इधर भागती है तो कभी उधर भागती है, वो उछल कूद मचाते हुए, क्योंकि घर में अंदर उसको उतना खेलने के लिए नहीं मिलता। तो जितने देर वो बाहर निकलती है ढेर सारी मस्ती करती है। फिर वो नव्या के साथ खेलते हुए, और नव्या है उससे बड़ी, फिर भी उससे डर रही है और उसको कहीं धकेलने का काम, ऐसे काम उसको करते रहती है। और उसके बाद हम मंदिर में पूजा ख़त्म करने के बाद गए हम प्रसाद लेने, और मम्मी बैठ चुकी है प्रसाद दिखाने के लिए और साथ में माइशू भी बैठी है। जिस मंदिर में हम अभी गए हुए हैं वहाँ डेली 11 से 12 बजे के पास भंडारा लगता है। जितने भी लोग आते हैं सभी लोग प्रसाद के तौर पे भंडारा ग्रहण करते हैं। और उसके बाद हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाहर पे बैठे। दिन के टाइम पे तो कोई ज़्यादा प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ी देर वहाँ बैठे। उसके बाद घर को हमने निकलना था जल्द से जल्द, क्योंकि फिर माइशू भी ज़्यादा देर बाहर धूप में रहेगी तो फिर उसकी भी तबीयत ख़राब होगी। तो हम फटाफट से निकले वहाँ से घर, और जैसे हम घर पहुँचे माइशू चले गई गहरी निद्रा में। और जन्माष्टमी का दिन था, पूरा दिन दौड़ा भागी वाला था। फिर शाम के टाइम पे जैसे प्रोग्राम होने शुरू हुए, बच्चे इकट्ठा होने लगे, तो माइशू भी गई। थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करा के लेके आई मैं माइशू का, और थोड़ी बहुत शॉर्ट्स बना के लाई, वीडियो वगैरह। तो कान्हा जी का मंदिर कुछ इस तरीके सजाया गया था हमारी कॉलोनी में। ये है हमारी कॉलोनी की वीडियो। यहाँ पे सजाया गया है कान्हा जी का प्यारा सा मंदिर बनाया गया है। और हम लोग जन्माष्टमी देख रहे थे अपनी कॉलोनी में, और अभी लोग गए हुए थे जहाँ सवेरे हम गए थे मंदिर में यानी कि आश्रम में, वहाँ। तो वहाँ के भजन कीर्तन सुनिए और आप भी आनंद लीजिए जन्माष्टमी का।
जा रहे हो? झड़ झड़